ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज्यादा है इंजीनियर टॉप करके ऐसा नहीं है दरअसल जब देश का प्रधानमंत्री बिना बीटेक एमटेक की इतना देश संभाल सकता है तो मैं जिला नहीं संभाल सकती कोई आपको डराए ना कि मैंने एमटेक किया है अब बोलो बताइए और अटल बिहारी जी ने भी, भी बी यही किया था और वो पूरा देश संभाल रहे थे सर ने कहा संभाली है कि सर ग्रेजुएशन को लेके सर जैसे कि मैंने जितने भी टॉपर्स देखे हैं तो सर उन्होंने एम टेक मतलब बड़े बड़े कॉलेजेस से किया है छोड़िए ना उन सबको सर <laughs> सर ठीक है लेकिन आप देखिए मनोज शर्मा को <laughs> आपने कहा कि किसी का एम टेक है किसी का बीटेक है कोई आई आई टी से है ठीक है वो लोग भी हैं सिविल सर्विसेज की यही तो ब्यूटी है सिविल सर्विसेज में हर फील्ड के लोग आ सकते हैं और कितनी भी कोशिश कर लीजिए ये बात सही है कि इंजीनियर्स की भूमिका या उनकी मात्रा इन एग्जाम्स में ज्यादा है और इसकी वजह बड़ी शर्म सी है इसमें यह नहीं सोचने की भेदभाव हो गया है वरना हम लोग तुरंत आरोप लगाए थे कि भेदभाव हो गया है क्योंकि इंजीनियर ज्यादा है इसके पीछे का तर्क भी तो है जनरली हमारे स्कूलों में जो बारहवीं क्लास में सबसे ज्यादा तेज है पढ़ने वाले बच्चे जनरली वो इंजीनियरिंग में जाते हैं यही तो होता है तो ग्यारहवीं बारहवीं तक जो बच्चे पढ़ने में सबसे अच्छे थे टॉपर्स थे उनमें से दस में से छह सात इंजीनियर ही बन गए एक दो डॉक्टर बन गए ह्यूमैनिटीज़ में कम जाते हैं कॉमर्स में कम जाते हैं तीन या चार साल की ग्रेजुएशन में ऐसा तो है नहीं कि जीन्स बदल जाएंगे डीएनए वही है जीन्स वही है इंजीनियरिंग करके फिर वो आई एग्ज़ाम देने लगे मान लीजिए आर्ट्स के बाद भी लोग आई एग्ज़ाम दे रहे हैं पर क्योंकि पहले जो स्कूल में सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे थे इंजीनियर बन गए थे वो अब भी पढ़ रहे हैं इंजीनियर टॉप करके ऐसा नहीं है दरअसल वो बच्चे जो स्कूल लाइफ से ही बहुत पढ़ रहे थे जो संयोग से इंजीनियर भी बने बीच में वो टॉप कर गए क्योंकि वो बचपन से टॉप कर रहे थे तो ये इतनी आश्चर्य की बात नहीं लेकिन ह्यूमिटीज में कॉमर्स में जो बच्चे होते हैं वो दो तरह के हैं एक वो पांच दस परसेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे थे स्कूल में पर बाई चॉइस कॉमर्स लिया या ह्यूमैनिटीज लिया आप मेरी बात से सहमत होंगे कि ऐसे बच्चों की संख्या पांच परसेंट से ऊपर नहीं है इस समय बाकी जो बच्चे ह्यूमैनिटीज लेते हैं अधिकांश इसलिए कि या तो उनके नंबर कम थे या उनको मैथमेटिक्स में साइंस में दिक्कत हो रही है नहीं उतना मजा आ रहा समझने में दुविधा होती है तो उन्हें किसी ने बताया कि ज़्यादा आसान पड़ता है आर्ट्स कर लो बी कर लो आसानी से हो जाएगा उनको तो ग्रेजुएशन करना है तो बी में एडमिशन ले लिया तो ह्यूमैनिटीज में ज्यादा बच्चे वो आए जो आसानी के लिए आए और कुछ शौक से आए पर एक ऐसा वर्ग है जिसने बी ए इसलिए लिया था कि आसान है क्योंकि वो नहीं संभाल पा रहा साइंस लेकिन ग्रेजुएशन करते करते उसको पढ़ने लिखने में मजा आने लगा सीरियस हो गया जब सीरियस हो गया तो उसको सुख मिलने लगा ज्ञान में और वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते अपने बौद्धिक स्तर पर उसी लेवल पे आ गया जिस पे कोई इंजीनियर था अब ये भी एग्जाम दे रहा है अब तो बराबरी की टक्कर है उसके बाद और मैं हर साल देखता हूँ हर साल देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं जो शुद्ध ह्यूमैनिटीज के हैं सिंपल बी ए किया हुआ है कोई ऐसी ठोस बैकग्राउंड नहीं है इसी बार जो रिजल्ट आया दो चार दिन पहले रिजल्ट आया उससे मध्य प्रदेश के जो बच्चे निकले हैं एक बच्ची खरगोन से है टू रैंक पर मनीषा धारवे उसके पूरे मतलब पूरी ट्राइबल बेल्ट में कोई बच्चा आ सका आई एस सी बना वाई एस बनी है एक बच्ची भोपाल से निकली है जो भारती साहू नाम है उसकी बैकग्राउंड देखिए उसके फादर ऑटो चलाते रहे है। तो ऐसा थोड़ा है। इस एग्जाम की यही तो ब्यूटी है कि इसमें आई आई टी के टॉपर्स भी आएंगे और इसमें बारहवीं फेल होकर ग्रेजुएशन करके जो बने हैं वो ही आएंगे हर तरह के लोग आएंगे असली बात सिर्फ इतनी है कि एग्जाम के लिए आपने कितनी ईमानदारी से मेहनत की और यदि वो आपने डेढ़ दो साल ढाई साल ठीक से ताकत लगाई है अपनी स्ट्रेटजी के साथ लगाई है तो ये एग्जाम ऐसा नहीं है कि ना हो मैं बहुत खुल के ये बात कह रहा हूँ इसलिए नहीं कि आप मोटिवेट होकर इस एग्जाम की तैयारी करें आप तो पहले से कर ही रही ए एस का एग्जाम मुश्किल नहीं है यदि आप सामान्य बुद्धिमत्ता के स्तर पे हैं और मेहनत करने को तैयार हैं और एम का एग्जाम आई की तुलना में बेहद आसान है

और वो पूरा देश संभाल रहे थे जी सर और मैं उस देश में रहती हूं एक सीधी सी बात जब देश का प्रधानमंत्री बिना मेटा कैंप तक किए इतना देश संभाल सकता है तो मैं जिला नहीं संभाल सकती जी सर ऐसी कौन सी खास बात है तो डरना नहीं है किसी से खौफ में तो रहना ही नहीं कोई आपको डराए ना कि मैंने एमटेक किया है अब बोलो बताइए मैंने एमए किया है तो क्या फर्क पड़ता है I don't know, I don't see. See. I must have